आयु पानी लेने गए थी यार, वहां पे बकचोदी करने गई थी यार। तुम ये बात मुझे बाहर निकलो। तुम सुबह हो गया है साला, मैं यहाँ पे वो पोस्टर बोर्ड बना रहा हूँ। सुनो, तुम सुबह 10-11 बजने की टाइम हो गया। अच्छा, तो मुझे खाली खाना ही बनाना काम है। तो मैं यहाँ से गई थी, बताओ 9 बजे गई थी, ये 11 बजने के टाइम में तुम पानी लेके आ रही हो। अब करके भी तो काम कर। अरे भैया, तुम पानी लेने 11 बजे तक गई थी, वहीं पे बैठ थी। वो दो चार लड़की जुटी होंगी वहीं पे, तुम्हारा भाषण शुरू रहा होगा और दो चार लड़के भी रहे होंगे। नल सूख गया था। नल सूख तो फिर वो मतलब जोर जोर से चलाने लगी तो वो वाशर नहीं होता है, वो टूट गया। हाँ, तो फिर बनाने लगे तो कहीं नल पास करने लगी थी। नहीं, नल पास करने लगी थी। पास करने लगी ही नहीं होगी। अब ऐसी मत बताओ। अरे तुम, नल सूख गया था। हाँ, नल सूख गया था। उसके बाद में पानी डाल के ऐसे ऐसे चलाने जब लगे तो वाशर ही टूट गया। तुम्हें पता है मैं काम पे जा रहा जाने वाला हूँ, काम पर जाता हूँ। पता तो था, पता तो। और सोती कितने बजे तक हो? 8 बजे तक सोती हूँ, 7 बजे तक सोती हूँ। कभी तुमने 4 बजे या 5 बजे तुम उठी हो? हाँ, नहीं। अब हो गया ना, जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, ठूस लेना, उसके बाद चले जाना। अच्छा, ठूस लूंगा मैं, मतलब खा लेना, उसके बाद में तुम सारा दिन सोना। अब तो काम नहीं है तो क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। सुनो, अब वो आज एक वो क्या कहती हैं, वो आई थी, अरे उनका नाम यार महतिनी का कहती हैं, वो आई थी तो उन्होंने कहा है कि भैया मेरे खेत में काम है और अपनी बीबी से पूछो काम पे जाएगी तो तुम आज काम पे जाना। मैंने बोल दिया हाँ। मैं कहाँ काम पे जाऊंगी। अब ऐसा मत बोलो, कुछ 4 पैसे आ जाएंगे घर में, हैं तो 2 पैसे तुम रख लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब मैं कहा, आप काम तो करते हो ना, अब क्या बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, बस जो जैसा तुम वहाँ पे पानी भरने जाती हो ना, अटलाती हो, वैसे वहाँ पे काम पे जाना अटलाना। अब देखो, मैं तो चलो ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन पतिदार लोग। अरे तो वो सब जाएंगे, बीवी के कमाई खाना। नहीं, कुछ नहीं, मुझे सब खाना है, बीवी सीवी सबका कमाई खाना है। नहीं, मुझे नहीं, बीवी टीवी किसी का कमाई नहीं जाना है। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे आज तुम्हें सोना नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ, मैं अभी बुला रहा हूँ माँ को, खेत में बोल रहा हूँ, खेत में काम मत करो, चलो तुम भी आके घर बैठो और इनके पीछे लगी रहना। ये इधर उधर जाए तो इसको इसके पीछे लग जाना कि ये सोना, सोए मत। देखो इसमें क्या हो गया है, तुम समझ लो, आज आज तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मैं खाना बना दे, तू खा लेना, उसके बाद मैं चले जाना काम पे। और तुम भी चले जाना काम पे। मैं कहाँ चली जाऊँ? वो महातिनी की खेत में। मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना, वो कुछ ज्यादा काम नहीं, धान वान काटना मुझे होगा। मुझे नहीं जाना है, धान वान काटना होगा, कुछ नहीं काम है ज्यादा। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता होगा, आज से हम बता देते हैं, तुम बहुत ये नौटंकी कर चुकी हो, अब बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। तुम कहा उल्टा पुल्टा बक बका रहे हो? मुझे नहीं जाना, मेरे वजह से बहुत सर दुख रहा है। तुम्हारा सर वर कुछ नहीं दुख रहा, सर फोड़ दूंगा किसी दिन, बस सर वर दुखेगा नहीं, सर फोड़ दूंगा किसी दिन। डरवा रही हो तुम मुझे? अब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। नहीं, आग फोड़ दूंगा मैं, ये मेरे तरफ मत देखो, आग नीचे कर। मैं भी आग निकाल के, आग नीचे कर, आग नीचे कर, नीचे कर, कर नीचे, आंख नीचे कर बोल रहा हूं, अब उठाना मत, कर नीचे, आंख आंख नीचे कर। कर तो दिया। तो सुन मेरी बात, अब चली जाना आज। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, अच्छे से, खूब अच्छे से चली जाऊंगी। हाँ, इतने अच्छे से चली जाऊंगी कि दिन भर इतना काम करूंगी, इतना काम करूंगी, शाम को जब आप आओगे ना तो कहोगे अरे बाप रे, ऐसे करोगे। हाँ ठीक है, बस तू कुछ काम करना। हाँ हाँ, और चाहे अठलाना, लेकिन घर में मत रुकना। अच्छा जी, अब मैं शाम को बना दूं खाना। हाँ, या हाँ। चले जाओगे मुझसे? नहीं खाना, क्योंकि मुझे भी तो काम पे जाना है, देर हो जाएगा ना, तो आज बिना खाना खाए चले। हाँ तू जा काम पे जा, ठीक है, मैं खाना देख लूंगा। कौन
कौन सी बड़ी बात होती है खाना बनाने में यार। ठीक है समझी। ओके जी। अच्छा तो ठीक है। ठीक है तो ठीक है, तुम जाओ शाम को जल्दी आ जाना घर आके खाना बनाना। हाँ वो भी हो जाएगा, तुम जाओ। साथ में जा रही हूँ। सुनो मेरी बात क्या है कि काम पे जाना। हाँ। तो जो बोले वो करना। हाँ जो बोलेंगे वही करूंगी, मेरे साथ आके सो जाओ बोलेंगे तो सो जाऊंगी, कपड़ा उतारो कहेंगे तो कपड़ा उतारूंगी। देखो ये तुम गुस्सा मुझे मत दिखाओ समझी। अच्छा। वो तुम्हारा कपड़ा उतारने नहीं जा रहे। क्या पता क्योंकि दूसरे के पास भेज रहे हो, जो कहेगा मैं तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि तुम्हें चाहिए पैसा। वो महतीन है का, वो तुम्हारा कपड़ा नहीं उतरवाएंगे। क्या पता आपने। हाँ जाओ ले जाओ, जाओ उतरवा लेना, जाओ जाओ। अच्छा थी मैं अपनी मायके ना चली जाऊँ। अच्छा बेटा जब काम करने पड़ा तो मायके जाओगी। हाँ? मुझे जब दूसरे के यहाँ काम करना जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मेरी इज्जत ले लेंगे यहाँ पे। हाँ तुम्हारा इज्जत ऐसे भरे जबदे में भरे बाजार में तुम्हारा इज्जत ले लेंगे। क्या पता घर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे जाऊंगी तो। अच्छा वो करना पड़ेगा ना। मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अकेली हो। तो तुम्हें क्या पता ना वहाँ पे कोई। अभी तुम बकवास ना करो, तुम चुपचाप काम पे निकल जाओ और हम खाना बना देंगे। जाओ मायके चली जाओगी। यार सुनो मेरी बात, देख देखो मेरी बात तो सुन लो एक बार। देखो मैं कहा कहता हूँ, ये जुल्फी उल्फी सब ऐसे काट दूंगा निकाल के, फिर तुमको मेरी बात सुनो। देखो ये जुल्फी यहाँ पे लगा लो और अब सुनो, अब अच्छे इंसान की तरह अब चली जाओ काम पे। खाना शाम को सुबह सब मैं देख लूंगा। जाओ जितने दिन उनके खेत में काम है, खेत में काम करना है बस। समझ गई? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता अब होगा आज से। सुनो अब तुम यहाँ से निकलो। मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है बस। अच्छा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। यही सब आप दूसरे के यहाँ काम करने के लिए मेरी कमाई, मतलब आप तुम खुद कमा नहीं पाते हो, जो अब मैं कमाऊँ और तुम खाओ घर बैठ के, यही सब करने के लिए मुझे शादी करके लाए थे। हिम्मत नहीं है तुम्हारे गोड़ हाथ पे दूसरे के बल पे जी के। वो अभी तक किसके बल पर तुम खा रही थी? इधर देखो तुम मुझे क्या खिलाई होगी। तुमने मेरे घर छोड़ के मैं आई हूँ, तुम अपने घर छोड़ के नहीं गए हो जो मैं तुम्हें देखूँ। ठीक है मैं अपने माँ बाप छोड़ के तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हें तो मेरे मुझको पालना होगा, मुझको अपने कमाई खिलाना होगा ना। तुम चलो मेरे साथ अपने घर परिवार सब छोड़ के, तुम्हें देखूंगी ना। इधर मेरी बात सुनो। अच्छा तो तुम छोड़ के क्यों आई हो अपने माँ बाप को? अब हमको ये जवाब, क्योंकि तुम मर गए थे ना इसलिए। क्या बोली मतलब? अच्छा जवाब दो, शादी हो गई। सुनो अच्छा जवाब दो और बोलो क्या। शादी हुआ है इसलिए। क्यों शादी किया? अब कोई तो करता है शादी। क्या सब कोई तो क्यों करता है? अच्छा क्यों अपना घर छोड़ के आता है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पुरखा देखी, मतलब पुरखा से चल के आ रहा है तो मुझे नहीं पता। घर छोड़ के आई हो तो क्यों छोड़ के आई घर? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? अच्छा तो अब कहाँ से ये बात आई कि मैं अपनी घर छोड़ के आई हूँ? तो मैं क्यों कमाने जाऊँ? अब घर में सारा दिन तुम बैठोगी काम। अच्छा नहीं तो मैं ना बैठूँ तो क्या करूँ, खड़े रहूँ दिन भर ऐसे? हाँ वो भी चलेगा ये तुम। हाँ तो ठीक है मैं काम करने नहीं जाऊंगी, तुम काम तक जाओ, वहाँ पे खड़ी रहो उसके मातिन के खेत में। मुझ में नहीं, ऐसा है तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ अब जाओ। मुझे नहीं जाना। अब जाओ। मुझे नहीं जाना। अब ये नहीं जाना है मत करो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी ना। अब तुम जाओगे जब यहाँ से तो मैं शाम तक कसम से यहीं पे खड़ी रहूंगी ऐसे, लेकिन मैं काम करने नहीं जाऊंगी। सोओगी नहीं? कर नहीं पाऊंगी और ना कुछ खाऊंगी। नहीं खाओ पियो अच्छे से, लेकिन काम करो, सारा दिन रहो मत, कपड़ा छांटो, घर की साफ सफाई करो, जाला निकालो। मैं आज ये पूरा साफ कर लूंगी। हाँ घास निकालो, ये आंगन क्या करी, ये करो, साफ सफाई करो, अच्छे से रहो, आलसी मत बनो, समझ गई? ये बात है। सो मत सारा दिन और टाइम पे खाना बनाओ, ठीक है? कि जाओगी काम पे?
नहीं काम पे नहीं जाऊंगी। तब ठीक है और क्या, मैं अब खाने के लिए देर हो जाएगा, खाना बनाना, मैं 12 बजे आऊंगा और रोज अब आज से 12 बजे आऊंगा ये देखने के लिए, कभी कभी बीच में भी आ जाऊंगा। अब ये क्या नौटंकी, मुंह ये कैसे 15 के जैसे बना रही हो? हंस रही थी क्योंकि काम पे आप जाना नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा खुश हो गई। अच्छा तो क्या काम पे जाना नहीं पड़ेगा तो ये बंदर के जैसे मुंह बनाते हैं? खुशी हो। चलो इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें तुम्हारी ये बुद्धि में कुछ समझ में तो आया ना? कहाँ समझ में आया, चलो बताओ। की घर के काम करो। हाँ, और दिन भर सो मत। और ये प्यार, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अब दिन भर तो मैं आराम से सोऊंगी, थोड़ी ना काम करूंगी। यही सब करने के लिए शादी करके आई हूँ क्या मैं?